है कि इनके आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का यहां रखना चाहिए सदन पर। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोप के लिए नहीं है सदन। हर सदस्य ने बोलते वक्त इसकी तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद बोलना चाहिए। आज चीन पर भी बार बार राहुल जी बोल रहे हैं कि आप एक इस पे एक ठोस कदम उठाइए, लेकिन आप सेना के पीछे आप छुप रहे हैं, जबकि सदन किसका है? सदन देश का है और देश के अंदर हमें सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उठना चाहिए, क्योंकि देश की जनता सरकारों को चुनती है, ना कि सेना को। तो अगर देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेही होना बनता है। अगर आप आज ड्रग्स की हम बात करते हैं, ड्रग्स कहां से आते हैं सर? इधर पानी से आएंगे, सागर से आएंगे, या सीमा से आएंगे, या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विमान अड्डों से आएंगे? तो आज हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने एयरपोर्ट्स में अपने किस प्रकार से सर्वेलेंस बढ़ाई है, आपने सी बॉर्डर पे किस प्रकार से अपने सर्वेलेंस बढ़ाई है, और अपने लैंड बॉर्डर पे आपने किस प्रकार की सीमाएं बढ़ाई हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये तो कोई नया मुद्दा नहीं है, आप तो बार बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा पे आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को आपने उनको और ताकत दी है। आज उत्तरी पूर्व में हम देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आज आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सारा प्रकार का ट्रैफिकिंग आज उत्तर पूर्वांचल हो गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल बॉडी पार्ट्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो बॉर्डर से जा रहा है, तो बॉर्डर का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर का संरक्षण आपके सीमा सुरक्षा के हाथ में, तो आप बताइए, आप हमें ये बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें? आप बार बार हमारे ऊपर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे, आप मुझे बताइए पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नार्कोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को अपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है, आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते। या तो इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का यहां रखना चाहिए सदन पर। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोप के लिए नहीं है सदन। हर सदस्य ने बोलते वक्त इसकी तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद बोलना चाहिए। सर मेरा फिर आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। साहब इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया। भाई नहीं है आपके नेता की तरफ, आदेश दीजिए सर, तो हम क्या कर सकते हैं? आदेश दीजिए, हम आपके आदेश के अनुसार, आप जो भी आपको लगता है कि सदन की मर्यादा का अगर मैंने कोई उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। लेकिन यहाँ पे सर हम जो भी हम बात रखते हैं जिम्मेवारी से, एक मिनट माननीय सदन उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात को तथ्यों प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है, ये मेरा आग्रह। सर दूसरा मैं बोल रहा था कि हमको इंटेलिजेंस पे, हमको सर्वेलेंस जो बात यहाँ से उठी है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी आधुनिक सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया है और कौन सी आधुनिक सर्वेलेंस के द्वारा अपने बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ा है, ये हमें बता दीजिए। अगर तीसरी हमारी बात है फाइनेंशियल ट्रैकिंग आपने किए, कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने लगाए हैं? क्योंकि ये जो सारे नार्को ट्रेड को लेकर जो सारे करोड़ों पैसे हैं कैसे जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, क्या ये क्रिप्टो से हो रहा है, क्या ये बैंक अकाउंट से हो रहा है, क्या ये बेनामी से हो रहा है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पकड़ने के लिए कौन से वो बड़े बड़े लोग हैं, उसके लिए आपने सरकारें क्या की है? जब दो और पॉइंट है फिर मैं बंद कर दूंगा। जन जागरण की हम बात करते हैं, जन जागरण की जब हम बात करते हैं तो हमको विभिन्न बेसरकारी संगठनों का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार के जन जागरण के अभियान के द्वारा गांवों में जाएं, जो छात्रों के पास जाकर आप उनको बताएं कि इस पदार्थ की नशीली दवाई हमको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये सरकार बार बार FCRA को लेकर जो
सिविल सोसाइटी है उस पर बार बार ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सिविल सोसाइटी को भी आज ढंग से काम नहीं करने देते। आखिरी बात है ये कि सर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स बने। मैं खुद भी ड्रग्स को लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में फिटनेस के लोके में दौड़ आयोजन करता हूं। अभी तक ड्रग्स के विरोध में मैं 2-3 महीने युवाओं के साथ दौड़ आयोजन किया है, लेकिन दौड़ के साथ हमारा जो छात्र है वो जानना चाहते हैं कि स्कूल में कोच कहाँ है, स्कूल में प्लेग्राउंड कहाँ है। तो ये सरकार स्पोर्ट्स की तो बात करते हैं, लेकिन स्कूल में कोच और स्कूल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है वो बताइए। और अंत में सर मेंटल हेल्थ में सभी बातों ने सभी ने ये कहा है, हम भी ये कहना चाहते हैं कि ये ड्रग्स एक कैंसर है, एक कर्कट का रोग है, और इस रोग में जो फंसता है उसको हमें एक किसी क्रिमिनल की नहीं कि वो एक रोगी की तरह उसको हम देखना चाहिए। और इसी तरीके से जहाँ पे हमें पुलिस और सीमा सुरक्षा पे जितना जोर देना है साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन पे भी हमें जोर देना चाहिए। धन्यवाद श्री एस टी असन जी।